प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाने वाला जन्माष्टमी का त्योहार देश भर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू वर्ष में इस पर्व का विशेष महत्व है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के निकट आने पर हम सभी के बीच उमंग, उल्लास, हर्ष और भक्ति का एक अलग ही वातावरण देखने को मिलता है। हिंदू काल गणना के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म आज से लगभग 5235 वर्ष पहले हुआ था। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस त्योहार को कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस बार यह त्योहार सोमवार 29 अगस्त से प्रारंभ होकर अगले दिन 30 अगस्त तक चलेगा। विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होने के कारण यह दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि इस दिन किए गए शास्त्रीय उपाय कई गुना अधिक फलदायी होते हैं और शुभ समय होने के कारण बेहतर परिणाम भी अवश्य देते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन करें ये उपाय। आज हम आपको लक्ष्मी कृष्ण से जुड़े 4 ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें यदि आप कृष्ण जन्माष्टमी पर कर लें तो धन की कमी तो दूर होगी ही, साथ ही भविष्य में भी धन से जुड़ी कोई समस्या नहीं आएगी। पहला उपाय, सिक्का। जन्माष्टमी के पर्व पर जब आप कृष्ण पूजन करें तो उस समय कुछ सिक्कों को पूजा स्थल पर रख दें और उसके बाद ही पूजा करें। पूजा समाप्त होते ही इन सिक्कों को अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दूसरा उपाय, धन कौड़ी। कौड़ियां लक्ष्मी माँ को बेहद पसंद है। ऐसा माना जाता है जन्माष्टमी पर कृष्ण पूजन करते समय पूजा स्थल पर पीले वस्त्र में कुल 11 कौड़ियां बांध कर रख दें। कृष्ण जी के साथ लक्ष्मी माँ का भी पूजन करें और पूजा समाप्त होने के बाद इस पीली पोटली को धन की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन से जुड़ी समस्या का खात्मा होगा। तीसरा उपाय, दिया। जन्माष्टमी की शाम तुलसी पौधे पर लाल चुनरी ओढ़ाएं और साथ ही एक दिया भी जलाएं। इसके पश्चात वहीं बैठकर ओम वासुदेवाय नमः का 2 माला जाप करें। आपकी धन से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी। चौथा उपाय, शंख। जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण के नंदलाल स्वरूप का शंख में दूध डालकर अभिषेक करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी का पूजन करें। दोनों की कृपा आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगी। पांचवा उपाय, फल और अनाज। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गरीबों में या फिर किसी धार्मिक स्थल पर जाकर फल और अनाज दान करें। यदि आप दान की सही मात्रा जानना चाहते हैं तो किसी ज्योतिष से कुंडली के स्थिति के अनुसार इसे जान लें, अन्यथा मन मुताबिक किसी भी मात्रा में दान करना भी शुभ ही होगा। धर्म संसार से जुड़ी ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपना सुझाव जरूर भेजें। धन्यवाद।